राजधानी दिल्ली में बीते शुक्रवार बारिश और ओले पड़ने के बाद से मौसम में हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो विशेषज्ञों का मानना है कि अगले सप्ताह की शुरुआत यहां हल्की बारिश हो सकती है। इस बीच तेज हवाओं ने भी मौसम को सर्द करने का काम किया है। IMD की माने तो दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर 25.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 12.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में आज सुबह हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई। वहीं नमी का स्तर 40-93% रहा। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में मौसम के बदलाव का कारण पश्चिम विक्षोभ है। इसके प्रभाव से यूपी, पंजाब और हरियाणा के मध्य भागों में हल्की बारिश की संभावना है। इन राज्यों के अलावा असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। बिहार में खिलती धूप को देखते हुए लोगों ने ठंड को अलविदा कहना शुरू कर दिया था, लेकिन रविवार की सुबह बिहार के कई जिलों में बारिश हुई। इस बीच तेज हवाओं ने मौसम में एक बार फिर ठंड ला दी है। मौसम विभाग की माने तो यहां आने वाले 2 दिनों में बारिश हो सकती है, जबकि तेज हवाओं का यह सिलसिला कुछ दिन और चलेगा। पंजाब में शुक्रवार और शनिवार को बारिश और तेज हवाओं के बाद रविवार को धूप के खिलते ही ठंड से राहत मिल गई। IMD की माने तो यहां कल और परसों भी मौसम साफ रहेगा। हालांकि 1 मार्च से मौसम बदलने के आसार हैं और 2 मार्च से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से बादल दोबारा से पंजाब में लौट सकते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण बीते दिन हरियाणा में तेज बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आ रही थी। इसके बाद तेज हवा चलने से शाम के समय लोगों को फिर से सर्दी महसूस होने लगी। बता दें कि हरियाणा में रविवार से पहले ठंड ने अलविदा कह दिया था। धूप के कारण लोगों को रात के समय गर्मी का एहसास हो रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।